15 साल से इस शहर के बाहर के लोगों से कराया जा रहा है। अफसरान से लेकर आम अहलकार तक उनका इस शहर के ताल्लुक नहीं है। इस शहर के इस पाकिस्तान के बाहर मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर अब सिवाय रिश्वत के, रेट के और कोई कानून मौजूद नहीं है। इन बिल्डिंग के कोड और कवानीन, दुकानों के कोड और कवानीन लिखे हुए हैं, इन पे अमल दरामद होने की जरूरत है। लेकिन 15 साल से आपने अपने इस वाहिद मेट्रोपॉलिटन सिटी को जंगल बना दिया है और जंगल के भी कुछ कानून होते हैं, यहाँ पर पैदा सिर्फ कानून बनते रह गया है। ये जो कीमती जाने गई है, इसका आज हमें वजीर आला सिंध बताए कि इस शहर के लोग अपने शहीदों, हादसा में होने वाले, जलने वाले, मारे जाने वाले लोगों के हिसाब किताब के लिए किसका गिरेबान पकड़े हैं। कराची के शहरों को गिरेबान का पता लगना चाहिए जिसने 15 सालों से इस शहर को एक जंगल बना के रखा है। तो पाकिस्तान का जमीर ये भी जवाब दे हमें, इस शहर को जवाब चाहिए कि कौन सा डर है जहां पर जाके इंसान की भीख मांगे अपने लोगों के लिए। हम इस शहर ने हजारों अपने बेटों को मां बनाया, अदालत इन्हीं शाहराओं पे और सड़कों पे कत्ल होते देखा है। इस शहर ने गुज़श्ता 15 सालों में पानी के लिए, प्यास के लिए, भूख के लिए, रोजगार के लिए जितना मुमकिन है अमन के साथ, इंसाफ के साथ अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। ये एक और विक्टिम है। कभी इंसाफ अपनी मर्जी से कायम इमारतें गिरा देता है, कभी इंसाफ अपनी मर्जी से शहर के लोगों को दरबदर कर देता है, कभी ये लापरवाहियत इस शहर के एक के बाद एक थोड़े ऐसे पहले मैरिनियम मॉल में भी इसी शहर के जवान बेटे इस आग ने निकल लिए। ये पांच अहले कराची फिर इस शहर पे कब्जे की ख्वाहिश के नजर हो गए। इस शहर पर अहलकार नहीं, काबिदीन का कब्जा है 15 साल से। और हम इंसाफ मांगने के लिए 35 साल से शहर के वाहिद नुमाइंदा जमात के जिम्मेदारान के हिस्से से आपके कैमरों के जरिए से ये बताना चाहते हैं कि इंतहा के सारे पैमाने मुकम्मल तौर पर अपनी हद को पहुंच चुके हैं। ऐसा ना हो ये शहर मजबूर होकर एक आईन को, कानून को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करे। तो दरख्वास्त ये है कि 15 साल के बाद एक जिस हुकूमत की वजह से ये हालात अब नहीं है वो, लेकिन वजीर आला सिंध आए और बताए कि वो इंसाफ कैसे दिलाएंगे। वजीर आला सिंध निगरा वजीर आला सिंध आए और खुल के बताएं कि उनके पास कितने अख्तियार आते हैं। आरिफ भाई ने काफी संजीदगी से रोशनी डाली है कराची के हालात पर। खास तौर से वैसे तो पूरा सूबा गुज़श्ता 15 सालों से जिस अदाब में था उसके असरात अब भी बाकी हैं और आज भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि वही अफराद हैं जो वजीर आला हाउस में भी रोजाना आते जाते दिखाई देते हैं। वही लेगेसी है, वही मामूलात हैं
और उसी तरह सूर्य को चलाया जा रहा है और इंसाफ की दूर दूर तक कोई तवक्को नहीं। अब आप ये आतिश जद्दी का जो वाकया है, अर्शी अपार्टमेंट और अर्शी मार्केट में, इससे 5 कीमती जानें जाया हुई, लेकिन उससे ज्यादा यानी इंसानी जानों का तो कोई मोल नहीं। लेकिन जो मालूम मता लोगों की जिंदगी भर की कमाई और फिर घरों में जो सामान रखा था, ये लोग तो जैसे ही धुआं आया, ज्यादातर लोग तो अपने घरों से नीचे उतर कर आ गए। अब हुकूमत का, इंतजामिया का और एमकेएम के अलावा किसी सियासी जमात का कोई रहनुमा या कारकुन यहाँ मौजूद नहीं, इंतजामिया मौजूद नहीं, कमिश्नर मौजूद नहीं, डीसी मौजूद नहीं, वजीर आला मौजूद नहीं, जो उनको दिलासा दे कि उनके घर के का सामान महफूज है, उन्हें बहुत जल्द अपने घरों में एक एक करके फैमिली को ले जाया जाएगा और जो उनका माल मता है वो महफूज है, वो उन्हीं की अमानत है और उन्हीं को मिलेगा। इस बारे में कोई हुकूमत की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से तसल्ली देने वाला नहीं है। तो मसला ये नहीं है कि वो कहते हैं ना कि हादसे से बड़ा हादसा ये हुआ, लोग रुके नहीं हादसा देखकर, मसला ये है। और अब जो मुश्किल दरपेश है वो ये है कि जब घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, जब घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, तो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। अब आग बुझाने का इंतजाम नहीं, लोगों को अभी नीचे बैठे हुए इनकी आबादकारी कहाँ है, दुकानें जो बंद है अभी तो आरजीए मॉल की दुकानें बंद है, वो दुकानें हुकूमत से नहीं बल्कि रियासत से भी है। लोग तंग आ रहे हैं, बेजार हो रहे हैं, वो मुल्क से जो उनकी वाबस्तगी है वो बेगाने हो गए हैं, ना ताल्लुक हो गए हैं, उनका ना मुल्क से ताल्लुक रहा, ना सूबे से, ना शहर से। ये लोगों को बेहिस बनाया जा रहा है, ये माशरा तबाह बर्बाद किया जा रहा है। अल्लाह के वास्ते कोई हमारी आवाज सुने, कराची वालों की आवाज सुने। यहाँ पर अनीस तहखानी भाई सारी रात तकरीबन रहे हैं, रोज सिद्दीकी भाई भी रहे हैं, मोहित भाई रेहान हमारी पूरा सेक्टर रहा है, एमसीएम के कारकुनान भी रहे हैं। ऐसा लग रहा था मैं अजनबी शहर में, मैं तो किसकी हुकूमत, इससे इससे अपने लोगों के लिए हम मांगे, ये सारे लोग, ये सारे जाने पहचाने चेहरे, इनको अपने लोगों से जो हादसे में जख्मी हुए हैं, जो हादसे का शिकार हुए हैं, जिनके लोग आज कल एक जली हुई लाशों की शक्ल में यहाँ से निकले हैं, उन तक अगर इनको नहीं पहुंचने दिया गया तो फिर बात कैसे बनेगी। ऐसे कोई छोटा सा हादसा कोई बहुत बड़े सानिये में तब्दील हो सकता है जनाब अली रवैये से, कपड़े का रवैया मत रखे शहर से। आठ में नहीं था ये शहर, ऐसा इस शहर के मिसाले दी जा रही थी पूरी दुनिया में, सिंपल फार्मूला ये है। 2008 का देखो, रखी देखो, 15 साल से हमारा वजीर आला नहीं है इस शहर को, तो आपने प्रॉपरली 5-5, 8-8 साल तक मेयर भी नहीं दिया है। जब जब एमकेएम के पास हथियार मैंडेट के साथ हथियार आए, ये शहर ऐसा नहीं रहा है, इसमें इंसाफ करने की जरूरत है। जी ये बता दें कि ऊपर से किसकी जान से बच्चे, ऊपर कराची की जान से बड़े धूम धड़कते थे, 1-1, 2-2 का इंतजार किया गया, तो कहा गया था कि आज काम तौर पे ये इदारा काम आएगा, लेकिन सर जब आग लगी, उससे पहले भी जब आग लगी, नाइट फाइव विकेट यहाँ पर तजुर्बेकार हमला का नाम के बाद हमारे नाम 1-1, 2-2 के लोगों ने यहाँ पर कोई कार्रवाई की,
अगर बर्मा पिंडारी कार्रवाई हो जाती तो इसको जलाने से बचाया जा सकता। तमाम जाति जमातों की जाने से हुकूमत की जाने से जवानी जमा कर दी जा रही है। आज लोग यहाँ पर जन्म की आदत में बैठे इतना जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? डबल टू चाहिए ग्यारह वाली हुकुमरानी है। जब मुश्किल वक्त देखते हैं, जब छुट्टी का दिन होता है, यहाँ पर नहीं होते ये लोग। यहाँ पर तो वो भी नहीं चल रहा होते, सिंगल भी नहीं चल रहा होते। तो कौन के लिए सिंगल है? सिंगल है कि अगर ये हालात है तो मुश्किल हो जाएगी। वजीर आला सिंह को जो शहर के बेटे हैं, जो साहब के जिम्मेदारी निभाते रहे हैं, उनको आकर सच बोलना होगा। और उनको लगता है कि वो एक माहिर से कपेट है तो उसके बारे में शहर को बताकर और असल हुकुमरानों को बोले तुम खान के सामने चलाओ। ये 15 साल से जिन लोगों ने हुकुमरानी की है उनसे अगर हिसाब किताब नहीं किया गया, जिनको 22,000 अरब तो सिर्फ इस शहर के टैक्स की शक्ल में मिले हैं 5 साल में, वरना अरबों खरबों डॉलर कमाने वालों से हिसाब न लिया। इस शहर ने अपना हक पूरा किया है। टैक्स देने से ज्यादा कोई बड़ी वफादारी नहीं है। दुनिया में बड़े VIP इम्पोर्टेंट लोग वही कहलाते हैं, वही बॉम्बे कहलाते हैं, वही शहर कहलाते हैं। उन्हीं को जमीन को परचम इस्तकरार देना चाहिए। तो बड़ी हिम्मत से गुरबत से भी टैक्स अदा कर रहे आपके ख्वाहिश को दोबारा संस्पर्श कर रहे हैं। 2008 में कराची दुनिया का तेजी से तरक्की करने वाला 12वां शहर था और आज दुनिया का नाकाबिले रिहाइश 4वां बदतरीन शहर है। ये याद मजबूर कर रहे हैं कि हम फिर अपने अपने सब को इस्तेमाल करें। इस शहर की बेटी की ऐसी समाये हमारे लोगों में घर जल रहे हो और कोई शहर के बाहर के लोग आके धक्का दे रहे हो, ये नहीं चलेगा जनाब। बहुत हो गया है किसी एक और सहानी का इस शहर को हिस्सा न बनना चाहिए, पूरी शहर में आप बढ़ उठेगी। दूसरी बात ये कि वजीर आला सिंह फौरन आ जाए, बताएं कि ये बात ये बिल्डिंग जो जली है इसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको गिराना पड़ेगा किसी कानून के तहत। ना इस शहर में ये जिनके फ्लैट गिरेंगे उन्होंने ना आग लगाई है ना उनकी गलती से लगी है। तो यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियों समेत सब चीजें देश में पहुंची है, इनकी कंपनसेशन का आज ऐलान करें वरना कल हमें कोई और ऐलान करना पड़ेगा। ये बताइए शहर का मास्टर प्लान शहर का नहीं है। वजीर बल्दियात का कहना है कि मास्टर प्लान गायब हो गया है। जिस शहर का मास्टर प्लान ना हो उस शहर का मुस्तकबिल क्या हो सकता है? मास्टर प्लान तो नहीं है, मास्टर प्लानर तो बनाया ना, वो कौन है जिनका प्लान इस शहर को लूटना है उनको देखने मास्टर प्लान भी निकल के आ जाएगा। सिंध हुकूमत आज से 15 साल तक के तमाम हिसाब किताब देने